तो दोस्तों सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए नए अपडेट्स मिल आज मैं लाई हूँ MSc फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन बॉटनी पेपर। ये दोस्तों ये पेपर ABS यूनिवर्सिटी का है, लेकिन यह सारे यूनिवर्सिटी में सेम ऐसे ही पेपर आता है। इसका सब्जेक्ट है PG 101। इसमें क्या क्या रहता है? बायोडाइवर्सिटी या वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगी। टाइम कितना रहता है? 3 आवर्स का टाइम रहता है। और इसमें कितने मार्क्स रहते हैं? 20-35 मार्क्स का पेपर रहता है, जिसमें आपको 12 मार्क्स पासिंग करने चाहिए होते हैं। और ये पेपर दो उसमें रहता है, दो लैंग्वेज में रहता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। आप जिस मीडियम से हैं वैसे जैसे सॉल्व करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। इसमें दिया हुआ है अटेम्प्ट ऑल 3 क्वेश्चंस एज सेक्शन और डिवाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इज गिवन द सेक्शन। देखिए सेक्शन ए में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए रहते हैं, जैसे ये देखिए आपको देख पा रहे होंगे। पूरे मार्क्स कितने नंबर के रहते हैं? आधा आधा नंबर के मार्क्स रहते हैं। इसमें कुल आपके 10 क्वेश्चन रहते हैं। कितने क्वेश्चन रहते हैं? 10 क्वेश्चन। इसे लिखा है ई कोलाई पर संक्रमण करने वाले जीवाणु भोजी को कहते हैं, क्या कहते हैं? साइनोफेज कहते हैं, माइक्रोफेज कहते हैं, कोलीफेज कहते हैं, या फिर उपरोक्त सभी कहते हैं। बैक्टीरियो और इस यही इंग्लिश में ही क्वेश्चन है जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं। देखें बैक्टीरियोफेज हु इन्फेक्टेड ई कोलाई इन कॉमन कॉल्ड साइनोफेज, माइक्रोफेज, कोलीफेज, ऑल अबव। पोषक कोशिका के बाहर अजीव कण के रूप में विषाणु कहलाते हैं। जो पोषक कोशिका के बाहर जो विषाणु होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विरियोन, प्रोवाइसर्स, प्रोफेज, कैप्सिड, क्या कहते हैं? इसमें दिया हुआ है ऐसे इंग्लिश माध्यम दिया है। आउटसाइड द होस्ट सेल द वायरस आर सिंपली लिविंग पार्टिकल्स नोन एज विरियोन, प्रोविरियोन, प्रोफेज, कैप्सिड। माइक्रोप्लाज्मा में किस मानव रोग का वाहक है? ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, हुपिंग कफ, इन्फ्लुएंजा। अब इसमें देखिए इसमें लिखा माइक्रोप्लाज्मा इज कंसर्ड टू बी अ कॉजेटिव एजेंट ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डिसीज। जैसे जब पूछ रहा है कि माइक्रोप्लाज्मा किसका वाहक है तो आपको बता देना है नॉर्मल। और ये क्वेश्चन मैं कह सकती हूँ कि ये पेपर BSc वाले स्टूडेंट्स के लिए भी जो ईयरली टर्म चल रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी एक बार इसको देखें। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ उसमें से 8-10 क्वेश्चन तो आपके दो तीन क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर ही आएंगे। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन, लिग्निन, सेलोनिन, सेलुलोज, पेप्टाडाइग्लैन। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया मेड ऑफ काइटिन, लिग्निन, सेलुलोज, पेप्टाडाइग्लैन। प्रजनन में संपूर्ण सुकायोप यौगिक को कहते हैं होलोकार्पिक, हेटरोकार्पिक, यूकार्पिक, स्यूडोकार्पिक। ठीक, अब इसमें लिखा व्हेन एंटायर थैलस इन यूटिलाइज्ड इज रिप्रोडक्शन इज नोन एज होलोकार्पिक, हेटरोकार्पिक। यही आपको इंग्लिश से दिया रहता है, वही हिंदी से दिया रहता है। दोस्तों अगर इसमें कोई भी समस्या हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि हम आपको इसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द लाने का कार्य कर सकें। इसमें दिया विषाणु जीवाणु कवक। और टुंडू डिसीज ऑफ वीट इज कॉज्ड बाय, जो टुंडू होता है, टुंडू जो होता है वो गेहूं में, जो गेहूं का रोग होता है टुंडू, किसका वजह से होता है? वायरस की वजह से, बैक्टीरिया, फंगी की, इन सभी की वजह से होता है। और इसमें क्या लिखा है कॉलियोमेला किस बीजाणु धाणु में पाया जाता है? ईस्ट, स्पायरोगायरा, पक्सिनिया, राइजोपोस। इन विच कॉलियोमेला इज फाउंड इन स्पोरेंजिया, ईस्ट, स्पोरेंजिया, पक्सिनिया, राइजोपोस। भिन्नाशयी कवक है अस्टिगिलेगो, पोनेस्पोरो, अस्टिलेनिया, पक्सिनिया, हेट्रोस्पोरिक फंगिस, यूटिलेगो। अब इसी में ऐसे दिया हुआ है मूंगफली के टिक्का रोग को कहते हैं सार्कोस्पोरा, कोलेट्राइट्राइक्रम, अल्टरनेरिया, फ्यूजेटेरियम। इसी तरह कॉस्टिव एजेंट ऑफ टिक्का डिसीज इज ग्राउंड नट इज द कोलेस्पोरा, कोलेट्रोथियम, अल्टरनेथिया, फ्यूजेरियम। पट रहित बहुमासीरियम को कहते हैं सिनोवियम, कूट मृदुदूत की, सिनोसिटिक मृदुदूत की, एस्पटेक,
मल्टी न्यूक्लेट माइसीडियम स्कॉल, साइनोबियम स्यूडो स्यूडोफायरेन्काइमा, सीनोसाइट पैरेन्काइमाटस। इसी तरह पांच क्वेश्चन रहते हैं दो दो नंबर के, इसमें लिखा प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर दीजिए, एक प्रत्येक इकाई से एक ही क्वेश्चन करना अनिवार्य है, यही इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में भी दिए हुए हैं दोस्तों। जैसे लिखा बिरयान की पर संरचना बताएं, फिर वायरस का गुणन, इसमें बिरयान की पर संरचना अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, वायरस का गुणन रिप्लिकेशन ऑफ वायरस, आर्चिगोनिया आर्चिगोनिया बैक्टीरिया उसमें भी इसी तरह दिया है, साइनोबैक्टीरिया की कोशा संरचना सेल स्ट्रक्चर ऑफ साइनोबैक्टीरिया, क्लेमाइडी पर टिप्पणी लिखिए नोट्स ऑन क्लेमाइडी, एक्टिनोमाइसिटीज कवक में सबस्ट्रेट संबंध सबस्ट्रेट रिलेशनशिप इन फंगी, कवकों में अलैंगिक प्रजनन एक्सेसुअल प्रोडक्शन इन फंगी, मानव में कवक रोग फंगल डिसीज इन ह्यूमन, एस्कोमाइसिटीज के लक्षण जनरल करेक्टर ऑफ एस्कोमाइसिटीज। इसमें से हर एक इकाई से दो क्वेश्चन रहते हैं जिसमें से आपको एक सॉल्व करना होता है, और बड़े क्वेश्चनों में कितने नंबर के आते हैं दोस्तों, 10-10 नंबर के दो क्वेश्चन आते हैं जिसमें लिखा रहता है वायरस पर विस्तार से टिप्पणी करें, राइट द डिटेल इन वायरस, कवक की प्रलयिकता का वर्णन करें, डिस्क्राइब पर्सेक्सुअलिटी इन फंगी, बैक्टीरिया में पोषण की विधियों का महत्व वर्णन करिए, एक्सप्लेन मेथड न्यूट्रिशन एंड इम्पोर्टेंट इन बैक्टीरिया, कवकों के वर्गीकरण को समझाइए, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी, ड्यूरोमाइकोटिना समान विवरण जीव वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द जनरल अकाउंट फाइलोजिनी ऑफ ड्यूरोमाइकोटिना। धन्यवाद दोस्तों, मैं जानती हूँ ये वीडियो सभी यूनिवर्सिटी के लिए, जिन यूनिवर्सिटी का पेपर हो गया है और जिनका नहीं हुआ उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार देखें और कमेंट सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल को मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।